घोड़ा का चार्ज इस बार, घोड़े का चार्ज। लेकिन आप लोगों को अभी एक चीज दिखाएंगे ना, पहाड़ों के ऊपर में क्या क्या चढ़ चुका है। निखिल भैया का फैन मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। निखिल कश्यप जी, अभी पहुंचे हम छनी कैंप, लगभग 12:45 बज गया और सामने मुझे मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे अभी साइकिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे, फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नए एपिसोड में। तो कल रात को कैंपिंग किए थे हम लोग गौरीकुंड में, और यहाँ पे जो है अभी टेंट वगैरह सब कुछ निकाल लिया। मेरा गला जो है फंस चुका है बहुत गंदी तरह से, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। तो यहाँ पे जो है टेंट वगैरह सब अनइंस्टॉल कर लिए, अब यहाँ से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे केदारनाथ धाम यात्रा की। आप जैसे देख रहे हो वहाँ पे अपना टेंट लगाए हुए थे, तो वहाँ से हम हटा लिए और अपना साइकिल में सारा सामान लोड कर लिए, और अभी जो है हम साइकिल लेके केदारनाथ मंदिर तक ऊपर तक जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों को यहाँ पहले दिखाते हैं गौरीकुंड में गर्म पानी में सब कोई कैसे नहा रहा है। ये सामने देखो गौरीकुंड है हमारा, सब कोई मजा लेके नहा रहा है गर्म पानी में। तो हम वापस जब नीचे आएंगे तो उस समय नहाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं, इस रास्ते से निकल के ऊपर जाएंगे और ऊपर से वहाँ से निकल के सीधे केदारनाथ के पहाड़ी पे चले जाएंगे। आप पूरे एक साल बाद दर्शन हुए आपके आज, वो होते ही रहेंगे। का चार्ज इस बार, घोड़े का चार्ज क्या इस बार जाने का क्या इस बार सस्ते मजबूत अच्छा 2300 रुपये जाने जाने का, आने का 1500 रुपये। और पिट्ठू का, पिट्ठू का सर मुझे पता नहीं। अच्छा, हम भी कल आए अभी पता नहीं। अच्छा चलो। तो भैया आगे पालकी जा रही है और यहाँ भी पहुँचे हुए हम घोड़ा स्टैंड। ये घोड़ा स्टैंड यही है ना भाई? अभी पहुँचे हुए घोड़ा स्टैंड। तो यहाँ तक हम अपना साइकिल लेके पहुँच गए, देख लो, दिखाओ भाई लोगों को, दिखाओ। हम निकल भैया के साथ उनकी साइकिल लेके आ गए हैं, पूरा धाम तक जाएगा, अभी पहुंचे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पालकी मुझे दिख रही है आगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है इसलिए हम रुके हुए, नहीं तो साइकिल नहीं रहती तो अभी पालकी के साथ हम रहते। भाई साहब यहाँ पे भीड़ आप देख लो कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी हम उधर से आए, वहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, पूरा रास्ते में जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है। तो भैया ये न्यू प्रवेश द्वार बना है केदारनाथ जाने के लिए, ये इसी साल बना है और शायद अभी तक खोला नहीं गया है, पता नहीं, क्योंकि देख रहे हैं सब कोई साइड से और ये साइड से जा रहा है। तो ये गेट अभी बंद है और अभी हम इसी गेट के पास रेस्ट कर रहे हैं। हट गए यहाँ पे साइकिल लगा के, अभी यहाँ थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और इसी रास्ते से हम निकल जाएंगे। और यहाँ से एक रिवर क्रॉस किया है जो केदारनाथ घाटी से आता है, मंदाकिनी रिवर, और अभी पहाड़ों के ऊपर हमको जाना है, पता नहीं कितने पहाड़ों के ऊपर। तो थोड़ा देर यहाँ रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निकालो निकालो निकालो। तो भैया फाइनली जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं, मतलब वहां से गौरीकुंड से जंगल चट्टी 3-3.5 किलोमीटर का दूरी पे है। तो यहां पे आते आते कम से कम 2 घंटा लग गया मुझे। आप देख ही रहे हो कैसे हम साइकिल उठा उठा के, कैसे मतलब धक्का लगा के ऊपर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आदमी को चलना मुश्किल हो रहा है, कोई घोड़ा पे चल रहा है, कोई पालकी पे चल रहा है, तो कोई हेलीकॉप्टर पे चल रहा है, सबको मुश्किल हो रहा है पैदल चलने में। एक बैग लेके चलता है तो 5 मिनट चलता है, बैठ जाता है, और हम साइकिल लेके ऊपर तक आ गए। बस ये हमसे कोई नहीं करा रहे, ये हमारे भोलेनाथ हमसे करा रहे हैं। देखो भाई साहब, अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। बाकी यहाँ पर अभी हम जंगली चट्टी में रुके हुए हैं, यहाँ पर अभी हम पराठा खाएँगे, पराठा ऑर्डर दिए हुए हैं,
यस भाई बताएंगे। यस भाई पराठा कौन सा ऑर्डर दियो? भाई पराठा हमने उनियाल जी के यहाँ बनाया है, आलू का पराठा। आलू घर से लेके आए थे? आलू उनियाल जी अपने घर से लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पे खच्चर से चढ़ाए थे। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पे अभी आलू का पराठा खाएंगे। क्या क्या रुपए पीस आलू पराठा? देखा जाएगा। नहीं नहीं पहले बता दो, 50 रुपए पीस। व्यूअर्स को तो बता दो। देखो व्यूअर्स, उनियाल जी के आओ जंगल चट्टी में और यहीं पे पराठे खाओ, बहुत टेस्टी पराठे हैं। चलो यहाँ पे एक और भाई जी मुझे मिले ऋषिकेश से। आपका नाम भैया? राहुल। राहुल आप ऋषिकेश से हो ना? राइट। ओके मैं अभी ऋषिकेश जाऊंगा तो आपसे जरूर फिर मिलूंगा। निखिल भैया का फैन मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। भैया जी ये बोर्ड भी धोना चाहिए भाई। हाँ वो जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो पराठा आ चुका है, आलू पराठा और ये चने की सब्जी और अचार और एक कप चाय। और मौसम जो है अंगड़ाई ले चुकी है, बदल चुका है मौसम, कभी भी बारिश हो सकता है। तो अभी पराठा खाते हैं, पराठा का मज़ा लेते हैं, फिर बाद में मौसम का मज़ा लेंगे। तो यहाँ पे साइकिल लगा के यहाँ पराठा खा रहे हैं भैया जी के साथ। तो भैया यहाँ पे पराठा हम लोगों ने खा लिया और यहाँ पे जो है बारिश जो है धीमी धीमी बारिश स्टार्ट हो गई। अभी यस भाई जो है पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बाद फिर हम साइकिल लेके आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि सुनने में आगे 5 किलोमीटर दूर के बाद यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो आगे जाते हैं देखते हैं 5 किलोमीटर के बाद अगर बर्फ़ मिलता है तो फिर वहाँ भी इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो भाई मुझे सामने दिख गया सफ़ेद चादर बर्फीला पहाड़, तो उसी पहाड़ के नीचे जाना है। उसी पहाड़ के नीचे केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ धाम है, तो अभी वहीं पे जाएंगे। ना जाने कितने पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा, यहाँ से तो देखने में बहुत नज़दीक लग रहा है लेकिन ना जाने कितने पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेके, हर हर महादेव घर घर महादेव। हेलो नमस्ते, अभी हम केदारनाथ चढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे इंसान मिले। हेलो नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिल कश्यप, मैं झारखंड से हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम नगरी देवघर से। अरे वाह, हो रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम निखिल कश्यप है। निखिल कश्यप जी, साइकिल से चढ़ रहे हो आप? जी जी जी। अरे वाह, हम पैर से चढ़ नहीं पा रहे हो, आप साइकिल से चढ़ रहे हो? बस भोलेनाथ की कृपा है, हम लेके नहीं जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमको भी खुशी हुई आपसे मिलके। और या थैंक यू। और बताइए रमन, और बताइए आपके बारे में, कहाँ कहाँ गए घूमे आप? मैं घर से निकला हुआ था 23 सितंबर 2021 को, उसके बाद भी मैं वहाँ से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए मैं उत्तराखंड आया हूँ अभी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा यूपी, बिहार, झारखंड। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, 2 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम यात्रा बाकी है। बहुत सही। धन्यवाद। साइकिल पे पूरा दुनिया घूम रहे हो? जी जी जी। ये 11वीं है आपके? आप भी तो घूमते आ गए यहाँ पे। हाँ, मैं भी घूमते आ गया, लेकिन आप तो बहुत मजा आ गया उसको देख के। मेरी ये 11वीं ज्योतिर्लिंग है। 11वीं ज्योतिर्लिंग जी। अरे वाह, इसके बाद मैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम जाऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल जाऊंगा ना। चलोगे? चलो मैं साथ में जाऊंगा आपके बद्रीनाथ धाम। बिल्कुल जाऊंगा आपके साथ बद्रीनाथ, क्यों नहीं जाऊंगा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ऑल दी वेरी बेस्ट आपको। चलो अंकल जी, चलिए ऑल दी बेस्ट और बहुत सारे ढेर सारे रिकॉर्ड बनाइए। एकदम भोलेनाथ की कृपा होगी तो और रिकॉर्ड बनाऊंगा मैं। हर हर महादेव। बोलो निखिल जी को जय हो, मेरी जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरी चैनल भी है यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब करना, आप भी देखना मेरी वीडियो। ओके चलो चलो, थैंक यू। तो भैया बात कुछ ऐसा हुआ, चलते चलते भाई साहब मिले और इन्होंने मेरा नाम रख दिया साइकिल वाले बाबा। तो एक कोई और है लेकिन इन्होंने मेरा नाम रख दिया साइकिल वाले बाबा। तो अभी वहाँ पे हम साइकिल लगाए हुए हैं, वो दो दिल्ली के भैया हैं, घिर के रखे हुए, कोई बात नहीं। इन्होंने भैया ने बोला पहले नाम बताओ भैया। साइकिल वाले बाबा? नहीं, पहले अपना नाम बताओ भैया। राजीव। आपका नाम भैया? रनवे राइडर मैन। तो इन्होंने अभी बोला कि आ जाओ कुछ खा लो, तो आपको भी पता है कि हम खाने में सबसे आगे रहते हैं, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो भैया यहाँ पे पहुँचे हैं एक पॉइंट पर, दो रास्ते यहाँ से कटे हुए हैं लेकिन दोनों रास्ता आगे जाके एक में ही मिल रहा है। ये वाला रास्ता कौन कहाँ जाता है? चोली लिंचोली। चोली लिंचोली। और ये
छोटी लिंचोली, छोटी लिंचोली। और ये भी वही जाता है। एक में पहले चढ़ाई उतराई, दूसरे में पहले उतराई चढ़ाई। अच्छा, इसमें आप जाओगे तो पहले चढ़ाई मिलेगी, उसके बाद उतराई मिलेगी। इसमें पहले उतराई मिलेगी, फिर चढ़ाई मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे उतराई मिल रही है, वहाँ से जाके चढ़ाई शुरू हो रहा है उधर जाके, और वहाँ से जाके दोनों रास्ता एक पुल में मिल जा रहा है। वहाँ सामने दूर में एक पुल है, वहीं पे मिल जा रहा है। तो हम जाएंगे ये पहले उतराई फिर चढ़ाई। तो चलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। तो भाई साहब अभी हम यहाँ से नीचे उतरे, बस वहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरे, तो आप लोगों को हम एक बहुत ही अच्छा सीन और बहुत ही अच्छा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे साइकिल लगाए हुए हैं, अब हम दिखाते हैं आप लोगों को व्यू। ये देखो यहाँ से, धन्यवाद है आप इतना दूर से आए हैं, बहुत धन्यवाद आप। जय हो जय हो। हेलो गाइस, तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद कौन सा आएगा, रामबाड़ा ना। रामबाड़ा का तो नामो निशान मिट चुका है, मतलब वही गांव से बगल से क्रॉस करेंगे। देखते हैं क्या कौन सा जगह आता है, जैसा होगा कुछ अच्छा दिखेगा तो आप लोगों को हम बताते जाएंगे। जय भोलेनाथ। यहां तक आया मजा, अब आएगा सजा। अब यहां से जो है 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, तो अब चलते हैं, उतरते हैं और धक्का लगाते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके रामबाड़ा। अभी गूगल मैप में आप ढूंढोगे रामबाड़ा का तो नामो निशान है जो मिट चुका है आपदा के बाद 2013 के बाद। अब यहाँ सामने देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर जो गिरे हुए हैं, और ये नदी की धारा जो आई हुई है। इस जगह में पूरा एक समय था जो पूरा गांव बसा हुआ था, बहुत सारे यहाँ पे घर हुआ करते थे, वहाँ से पुरानी रास्ता था। और हमको 2008 में हमको याद है जब हम आए थे तो वो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, उसी जगह के आसपास हम कहीं रुके थे। और ये झरना जो दिख रहा है, इस जगह पे हम लोगों ने ब्रश किया था, स्नान किया था 2008 में। हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पे आए थे केदारनाथ की यात्रा पे, तो यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ था। आज के डेट में ये पूरा ख़त्म हो चुका है, गूगल मैप में भी आपको रामबाड़ा का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे है बेस कैंप, बेस कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पे है केदारनाथ मंदिर। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। अभी तो समय हो रहा है लगभग 4 बज रहे हैं। अभी यहाँ से खड़ा चढ़ाई है, ये चढ़ाई 1.5 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं, 1.5 किलोमीटर लगभग और है। उसके बाद वहाँ से थोड़ा डाउन दिख रहा है, डाउन के बाद फिर चढ़ाई मिलेगी मुझे। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ से सीधा निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ से डाउन मिलेगी, वहाँ आपको दिखाएंगे कि कौन सा जगह है और कहाँ से डाउन मिलती है। तो मिलते हैं हम आपसे आगे। भाई साहब अभी आप लोगों को हम बताएंगे पहाड़ों के ऊपर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा साइकिल लेके आ गया, लेकिन आप लोगों को अभी एक चीज़ दिखाएंगे ना, पहाड़ों के ऊपर में क्या क्या चढ़ चुका है। आप लोग पहली बार ये चीज़ केदारनाथ घाटी में देखोगे। तो ये चीज़ है आपके सामने ट्रैक्टर, और वो हमारी साइकिल, मतलब कि यहाँ पर ट्रैक्टर तक आ जाता है आपके ऊपर, तो साइकिल कौन सी चीज़ है सोच सकते हो। और सोच रहे हैं कि साइकिल छोड़ के इसको लेके जाएं, क्या विचार है कमेंट करके बताओ। तो भैया यहाँ पे ट्रैक्टर पे थोड़ा देर बैठे, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे ऊपर हमको टॉप पे जाना है, फिर टॉप पे आप लोगों को जाके नीचे का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, यही चढ़ाई चढ़ाते। अब देख ही रहे हो कैसे हम चढ़ चढ़ के जा रहे हैं ये साइकिल से। तो चलिए ऊपर चलते हैं। हाय। तो भैया वहाँ से वो चढ़ाई चढ़ के हम आए हैं अभी टॉप पॉइंट पे, वहाँ से जो टॉप पॉइंट दिख रहा है वहाँ बोले थे आपको पहुँच के दिखाएंगे, तो ये टॉप पॉइंट पहुँचे। यहाँ से फिर दिख रहा है मुझे एक और टॉप पॉइंट ऊपर वो पहाड़ी के पास, तो वहाँ पहुँचना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अभी मैगी बना के खाएंगे, यहाँ पे इस दुकान में अभी मैगी लेने वाले हैं। मैगी दो भैया, ये कैसे पीस है? ये 30 रुपये का एक पीस है। 30 रुपये का एक पीस। तो भैया यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में 30 रुपये का एक पीस मैगी मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसका चार्ज देना पड़ता है। तो अभी 3 पैकेट मैगी लेके वहाँ पे जाएंगे पहाड़ पे, पत्थर पे बैठ के अभी बनाएंगे हम और यश भाई।
तो भाई यहाँ पे मैगी बन के तैयार हो गया, हम और यश दोनों खाएंगे। साइकिल वहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं और उधर बनाए हुए थे, तो जल्दी जल्दी खाते हैं, अंधेरा होने से पहले इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि यश ने बता रहा था कौन सा जंगल था जहाँ भालू निकलते हैं। लिंगचोली, लिंगचोली बोल रहा है, वहाँ से भालू निकलता है, तो वो जल्दी से पार कर लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से सीधा रास्ता है केदारनाथ धाम तक। भैया वहाँ पे मैगी खा के निकले और हालत बहुत ही ख़राब हो रहा है चढ़ाई के कारण। अब देख सकते हो कितना चढ़ाई है, ऊपर वो पहाड़ तक जाना है और अंधेरा भी अब थोड़ी देर में हो जाएगा, शाम हो गया, शाम का 6:30 बज चुका है, अंधेरा भी हो गया है, तो रात को 10 बज जाएगा अभी हमको केदारनाथ मंदिर पहुँचते पहुँचते। तो भैया अभी वहाँ से चढ़ के आए और यहाँ पर मुझे दिखा सफ़ेद चादर, आप देख सकते हो। फिलहाल वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो कितना वो गहरा है कोई नहीं बता सकता, बहुत नीचे है, तो यहाँ से ऊपर तक मुझे वहाँ तक सफ़ेद चादर है, ये धीरे धीरे पिघल के वहाँ से निकल जा रहा है, नीचे नदी में जाके मिल जा रहा है। तो भाई अभी पहुँचे बड़ी लिंचोली और हमारे पीछे देख लो सफ़ेद चादर, बर्फ ही बर्फ है, और अभी तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ केदार घाटी में हम लोग हैं। यहाँ दीदी डर रही है घोड़े पे जाने से, बहुत डर लग रहा है। चलो कोई, इससे अच्छा होता है ना पैदल ही आप जाते, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर और है पहुंच जाओगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंड बढ़ चुकी है, हमको लगता है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस अभी ठंड होगी। साइकिल से आ गए भाई हम, कैसे चल के, अरे भैया साइकिल साइकिल झारखंड से चल के साइकिल से आई, ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक चल रहे भैया, आप कहाँ से? बिहार से, यूपी से, गोरखपुर सुपर का शुक्ला है। अरे ट्रैवल विद निखिल, अपना चैनल बताइए। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विद निखिल, सब कोई जाके सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को भी बोल रहे अगर वीडियो देख रहे हो तो। और देखो यहाँ पे हमारे जो है नहीं नहीं हमारे यहाँ के यूपी के भाई लोग मिले हैं, यूपी के वाले भैया, आप महाराष्ट्र से हो, दो यूपी से, आप गोरखपुर आप लोग यूपी से, ये महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे हमसे मिलने के लिए खड़ा है। तो भाई कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, केदारनाथ की। तो भैया बात कुछ ऐसा है कि अभी पहुंचे हम छनी कैम, लगभग 12:45 बज गया और बहुत जोर की भूख लगी थी, अभी तक हम लोग केदारनाथ धाम नहीं पहुँच पाए, मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, यहाँ से 3.5 किलोमीटर और है। यहाँ पे मुझे एक ढाबा दिखा दूर से, पहले भी एक ढाबा दिखा तो वहाँ मैगी के अलावा कुछ नहीं था, तो मैगी तो शाम को ही खाए थे, वो हमको चाहिए था अन्न रोटी या फिर चावल कुछ चाहिए था खाने को, तो यहाँ पे एक ढाबा दिखा 12:45 बजे रात, यहाँ खाना बन रहा है, अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है केदारनाथ मंदिर, वहाँ तक आज रात किसी तरह पहुँचना है, यहाँ से शायद और 1 से 2 घंटा लगे पहुँचने में, तो देखते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद पहुँचेंगे, 12:45 बज रहा है तो 1:30 बजे रात तक पहुंच जाएंगे वहां पे। तो चलिए पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा। भाई तुम्हारा चैनल मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं। भाई जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आ गए। भाई जी वहां देख लो मेरा चैनल लिखा हुआ है नाम। नहीं रुको, एक ठीक है। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरे जो आप 12:45 बजे हम भुक्कड़ को खाना खिला रहे हो। आपका कर्तव्य है ये मानते हैं, आपने मौका दिया इस बार हमको भी। सब्सक्राइब करता हूँ ना, अभी बढ़ता है ना। ट्रेवल विद निखिल सबसे ऊपर में आएगा। भाई जी यार रोटी सब्जी जो है आ चुकी है गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। भाई खाते हैं, मिलते हैं आपसे केदारनाथ के धाम में। तो भैया फाइनली पहुंच चुके हम केदारनाथ धाम, यहाँ से जंद कुछ सीढ़ियाँ हैं और सामने मुझे मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे अभी साइकिल है, साइकिल को लेके मंदिर तक जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है, यहाँ पे भी कैंपिंग कर रखा है 3 लोगों ने, और ये कुछ एरिया है मतलब कि सेल्फी पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए सब कोई खड़ा रहता है, अगर ज़्यादा भीड़ लग जाता है तो सब लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के पास साइकिल लेके। तो भैया फाइनली पहुँच चुके हैं केदार धाम पे और अभी सुबह का 3:30 बज रहा है, 3:30 बजे सुबह अभी हम पहुँचे यहाँ पे, यहाँ पे साइकिल लगाए हुए हैं और पूजा करने के लिए जो है लाइन लग चुका है, तो 2nd नंबर में मेरा लाइन लगा है, 1st नंबर में हम गलती मेरा ही था जो 1st नंबर में नहीं लगा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे नहा के जाएंगे अंदर हम पूजा करने के लिए, तो ये केदारनाथ का मंदिर है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी फिर से हम अगले वीडियो बनाएंगे
केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने का, और फिर यहाँ का केदारनाथ मंदिर दिखाएंगे आप लोगों को टोटली, मतलब कि सुबह हो जाएगा तो हम दिखाएंगे। तो अभी हम जाके दर्शन के लिए हम लाइन में लग जाते हैं, सुबह 6:25 में यहाँ पे दरवाज़ा खुलेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।